नमस्कार, खबर फॉर यू में मैं राजेश प्रियम स्वागत करता हूं। आज बात होगी रुपेश जी से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के बारे में। आमतौर पर लोग महाराजगंज मतलब बिहार का महाराजगंज समझ बैठते हैं, लेकिन आज बात होगी उत्तर प्रदेश का महाराजगंज। दोनों जगह एक एक महाराजगंज है और ये लोकसभा क्षेत्र लगता है। तो जानते हैं सीधे सीधे रुपेश जी से क्या है चुनावी हलचल महाराजगंज लोकसभा में। जी रुपेश जी, धन्यवाद राजेश जी। जी, आपने बहुत ही सही कहा कि ये महाराजगंज यूपी वाला महाराजगंज है, बिहार वाला नहीं है। हालांकि यूपी और बिहार में दोनों जगह महाराजगंज सीट पर समानता ये है कि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीती थी पिछली बार, और उससे पहले भी कई बार जीत चुकी है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ माना जाता है, आगे मैं बताऊंगा डिटेल में। फिलहाल बात करते हैं यूपी के महाराजगंज के बारे में। और ये यूपी का जो महाराजगंज है, ये गोरखपुर मंडल में आता है और ये सीमावर्ती इलाका है, नेपाल से बॉर्डर लगता है और ये लास्ट एक तरह से है, उसके बाद से नेपाल का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर इतिहास की आप बात करें सर, तो इतिहास में ये एक ऐसी सीट है, कुछ चंद सीटों में से, जिसमें पहली सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीती थी आजादी के बाद से, जो 1952 में हुआ था। और पहली बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1962 में जीती थी, आजादी के 15 साल बाद से। फिलहाल बात करें वर्तमान में लोकसभा के, विधानसभा के परिप्रेक्ष्य के बारे में, तो यहाँ से 5 सीटें हैं यहाँ इस लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा में, और 5 में से 3 भारतीय जनता पार्टी के पास और 1 भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के पास है। और एक सीट है जो आप सुनकर शायद चौंक जाए, एक सीट है कांग्रेस की यहाँ से, और भारतीय कांग्रेस पार्टी की यहाँ से एक सीट है, और उत्तर प्रदेश के उन 2 सीटों में से एक सीट थी यहीं से मिली थी, पूर्वांचल के क्षेत्र से जी। और वहां से जो उम्मीदवार थे वो पिछली बार वीरेंद्र चौधरी जो विधायक बने थे, वो इस बार कांग्रेस के तरफ से या इंडी अलायंस के तरफ से यहाँ से उम्मीदवार हैं लोकसभा के चुनाव में भी, और विधान और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंकज चौधरी हैं। पंकज चौधरी एक बहुत पुराने नेता हैं, 1991 में पहली बार जीते थे, उससे 1991 से लेकर इस समय तक वो 6 बार लगातार, वो 6 बार जीत चुके हैं अलग अलग समयों में। 91 से 98 तक लगातार जीते हैं, उसके बाद से 2004 में जीते, फिर उसके बाद से 2014 में, 2019 में, और फिर एक बार इस बार ताल ठोक रहे हैं, मैदान में हैं जी। राजेश जी, जातीय समीकरण यूपी और बिहार के लोकसभा क्षेत्र में बहुत प्रभावी रहता है रुपेश जी। इस चुनाव में महाराजगंज में जातीय समीकरण क्या कहता है? जी, ये जातीय समीकरण जैसा मैं आपको बता रहा था, ये काफी एक तरह से अगर आर्थिक आधार पर देखा जाए, सेवाओं के आधार पर देखा जाए, तो पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। और यहाँ पर ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है, और उसके बाद से एसटीएससी की, लगभग 22% ओबीसी है, 18% यहाँ पर एसटीएससी है, और उसके बाद से 9% मतदाता लगभग कुर्मी समुदाय से या पटेल समुदाय से आते हैं। ये सब मिलाकर लगभग 50% हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से वैश्य और निषाद के भी 7-7% का वोट माना जाता है, ब्राह्मण और यादव 8% और 9% क्रमशः माने जाते हैं, और यहाँ पर मुस्लिमों की भी संख्या एक तरह से सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, ठीक ठाक है। तो और यहाँ से क्षत्रिय समाज का लगभग 2-3% के माना जाता है, अपर कास्ट में ब्राह्मण तो है लेकिन क्षत्रिय का यहाँ पर बहुत ज्यादा वोट नहीं है। तो ये है यहाँ का एक तरह से जो सामाजिक ताना बाना महाराजगंज में। यहाँ पर ओबीसी का पलड़ा भारी रहता है, और वही प्रमुखता से यहाँ पर है, और एसटीएससी जी। राजेश जी, कुल मिलाकर जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से किस पार्टी की बढ़त नजर आती है? देखिए, अगर परंपरागत रूप से जो जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ में इंटैक्ट रही हैं या अभी इस चुनाव में है, चूंकि यहाँ पर एनडीए का गठबंधन भी है, निषाद पार्टी भी इसी के साथ गठबंधन भी है, और निषाद पार्टी और कुर्मी का भी यहाँ पर अच्छा खासा वोट है, राजभर का भी वोट बताया जाता है, और इन तीनों का पूर्वांचल में काफी अच्छा है, तो इस हिसाब से देखा जाए, उसके बाद से ब्राह्मण वैश्य राजपूत जो भी यहाँ पर है, जितने भी अमाउंट में है, वो माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट माने जाते हैं। ओबीसी में गैर यादव ओबीसी जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समीकरण में आपको देखने को मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है। तो इस हिसाब से अगर जातीय समीकरण से बात करें तो विशुद्ध रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, जो इंडी अलायंस के जो यहाँ पर कैंडिडेट है उनके तुलना में जी। 2019 और 2014 के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं? जी, 2014
2019 और 2014 के चुनाव के 2019 में यहाँ से पंकज चौधरी को लगभग लगभग 60% वोट मिला था, और सपा से उस समय अखिलेश सिंह थे जिनको 32% के आसपास वोट मिला था, और कांग्रेस से एक जानी मानी जानी मानी नेत्री और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत यहाँ से थी, जिनको सिर्फ 5% वोट यहाँ से मिला था 2019 में, और सिर्फ 75-72 हजार के आसपास वोट मिला था 2014 में। यहाँ से फिर बीजेपी से पंकज चौधरी ही जीते थे, और बसपा से काशीनाथ शुक्ला थे जिनको 21% और पंकज चौधरी को 44%, सपा के अखिलेश सिंह को उस समय भी 21% वोट मिला था। तो सपा बसपा लगभग लगभग सेम उस पे थे प्रतिशत पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगभग 44-45% वोट मिला था, और कांग्रेस को उस समय भी सिर्फ 5% ही वोट मिला था। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद रुपये जी स्थिति विश्लेषण के लिए। मिलते हैं अगले सीख पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।